दोस्तों आप सभी अपने फ़ोन का जब भी नोटिफिकेशन पैनल ओपन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का साउंड का ऑप्शन ज़रूर दिखाई देता है। अब दोस्तों हर फ़ोन के नोटिफिकेशन में ये साउंड का ऑप्शन होता है और आपको सिर्फ इतना पता होता है कि यहाँ पर अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारा फ़ोन साइलेंट पर लग जाएगा या म्यूट कर सकते हैं या फिर रिंगटोन चालू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बटन में एक ऐसा राज, एक ऐसी हिडन सेटिंग्स छिपी हुई है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन का जो साउंड का स्पीकर है, अगर दोस्तों इस स्पीकर की आवाज़ कम है, ख़राब आवाज़ आती है, तो उसे आप काफ़ी फास्ट कर सकते हैं और फिर आपका फ़ोन इतना तेज़ बचेगा कि दोस्तों आपको खुद यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको नोटिफिकेशन के अंदर जो ये साउंड का ऑप्शन दिया है यहाँ पर क्या सेटिंग करनी है, तो उसकी बात दोस्तों आपके फ़ोन की जो है आवाज़ काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अब आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको सिर्फ चार सेटिंग में बताऊंगा और इन्हें करने के बाद आपके फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ इतना तेज़ हो जाएगी कि दोस्तों आपको खुद यकीन नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन पैनल ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे नोटिफिकेशन पैनल ओपन करेंगे तो ये आपको जो साउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको थोड़ी देर दबा के रखना है। अब जैसे आप दबा के रखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी सेटिंग्स ओपन होकर आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट का, तो आपको सिंपली यहाँ पर इसे इस तरीके से ओपन कर लेना है। अब जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको फर्स्ट नंबर पर ही एक सेटिंग मिलेगी डॉल्बी एटमॉस की। अब दोस्तों ये सेटिंग कंपनी की तरफ से बंद होती है लेकिन इसे अगर आप दोस्तों ऑन कर लेते हैं तो आप जब भी अपने फ़ोन में म्यूजिक सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं तो दोस्तों आपकी जो फ़ोन की ऑडियो आती है वो इतनी गजब की आती है, खासकर जब आप हेडफोन लगाकर इसे यूज करते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपके फ़ोन के स्पीकर से फटी फटी आवाज़ आ रही है, ख़राब आवाज़ आ रही है, तो इस सेटिंग जिसका नाम डॉल्बी एटमॉस है इसे ऑन करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके फ़ोन की आवाज़ बहुत ही स्मूथली आएगी और आपको गाना सुनने में या म्यूजिक सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब दोस्तों ये तो पहली सेटिंग हो गई कि अगर आपके फ़ोन की आवाज़ ख़राब है तो उसे कैसे सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवाज़ को बढ़ाने की, तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इक्वलाइज़र का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इक्वलाइज़र पर टैप करना। अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल, पॉप, क्लासिक, जज, और ये दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पर सेट होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन के जो स्पीकर हैं इसकी आवाज़ दोस्तों नॉर्मल सी रहती है। तो अब आपको इसे बढ़ाना है, बूस्ट करना है, तो यहाँ पर आपको कस्टम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसे आपको कस्टम पर सेट कर देना है। और यहाँ पर नीचे ये जो आपको कर्सर दिखाई दे रहे हैं इन सभी को आपको 10 dB पर कर देना है, यानी कि बिल्कुल फुल पर कर देना है। अब इससे दोस्तों आपके फ़ोन की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये दूसरी सेटिंग दोस्तों आपको करनी। उसके बाद अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन में दो सेटिंग और करनी है, तो इसके लिए नीचे आपको एडाप्ट साउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपको एक सेटिंग मिलेगी एडाप्ट साउंड फार, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। ओनली कॉल्स पर ये सेट होगा, तो इसे आपको मीडिया एंड कॉल्स दोनों पर सेट कर देना है। इससे दोस्तों आपका जो ये स्पीकर है इसकी आवाज़ और कॉल वाले स्पीकर कॉलिंग दोनों की आवाज़ दोस्तों काफ़ी बढ़ जाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको इम्पॉर्टेंट सेटिंग करनी है, यहाँ पर आपको बूट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बूस्ट का, और जो कि ऑफ है। यहाँ पर आप देखते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अंडर 30 टू 60 ईयर ओल्ड, ओवर 60 ईयर ओल्ड, तो इसे आपको ओवर 60 ईयर ओल्ड पर करना है। इससे क्या होगा कि अब दोस्तों कई बार क्या होता है, आप सभी को पता है कि जब कोई 60 साल से ऊपर हो जाता है बुज़ुर्ग, तो उसे कम सुनाई पड़ता है, तो उसके सामने थोड़ा लाउडली बोलना पड़ता है, तो आपके फ़ोन को भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा कोई बुज़ुर्ग आदमी है तो उसे लाउडली आवाज़ को जो है निकालेगा, तो मतलब फ़ोन ऐसा बिहेव करेगा। और यहाँ पर फिर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर साउंड प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये दोस्तों सॉफ्ट पर है, तो इसे आपको क्लियर पर कर देना है।
और बस दोस्तों आपको बाहर निकालना है इतनी सेटिंग करने के बाद। अब दोस्तों आप देखेंगे कि आपके फ़ोन के स्पीकर की अगर आवाज़ धीमी थी, फटी थी या फिर कम आवाज़ आ रही थी, इन सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपका स्पीकर जो है अब ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों बजेगा। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।